नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक बहाली परीक्षा एडमिट कार्ड पर बीपीएससी चेयरमैन का बयान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मिलते हैं इतने प्रोत्साहन राशि। नालंदा के राजगीर जू सफारी में जुटे देश भर के चिड़ियाघरों के 35 विशेषज्ञ। स्वतंत्रता दिवस पर सभी महादलित टोलों में होंगे झंडोत्तोलन और विशेष कार्यक्रम। भारत के लिए आज वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वेस्टर्न कोलफील्ड में अप्रेंटिस के 1191 पदों पर निकली भर्ती। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 1191 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी इच्छुक और योग्य हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट westerncoal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2023 तक है। इसके जरिए अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 12 महीने के लिए होंगी। हालांकि बाद में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि इन पद पर आवेदन करने के लिए योग्यता पद के मुताबिक है। बेहतर होगा हर पद के बारे में अलग अलग और डिटेल में जानकारी पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिया नोटिस चेक कर ले। मोटे तौर पर ये समझ ले कि आवेदन के लिए कैंडिडेट्स का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है। शिक्षक बहाली परीक्षा एडमिट कार्ड पर बीपीएससी चेयरमैन का बयान। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए आवेदन किया था, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षा बहाली परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि TRE में ई एडमिट कार्ड अंतिम एडमिट कार्ड है और सेंटर कोड डिकोड करने के बाद कोई अन्य एडमिट कार्ड नहीं होगा। जहां तक संभव हो TRE में गृह विभागों में केंद्र आवंटित किए गए हैं और 69वें CCE में भी इसी तरह केंद्र आवंटित किए जाएंगे, ताकि उन्हें ज्यादा दूर जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि बीपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड की जानकारी साझा किए जाने के बाद से अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था। इसी को दूर करने के लिए चेयरमैन की ओर से यह ट्वीट किया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मिलते हैं इतने प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय के स्वनिर्माण के उपरांत लाभों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जो कि 12,000 रुपए होती है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत यह लाभ वही परिवार ले सकता है जिसके घर पर शौचालय न हो और जिसके द्वारा शौचालय निर्माण हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान या पूर्ववर्ती योजना का लाभ न लिया हो। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपना आवेदन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड स्ट्राइक कार्यालय में जमा करें। वहीं योजना के विस्तृत जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी या लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड स्तरीय कार्यालय में संपर्क करें। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को शौचालय की सुलभता है। मछुआरों को डॉल्फिन संरक्षण की मिलेगी ट्रेनिंग। 17 अगस्त से बिहार की राजधानी पटना के संजय जैविक उद्यान में गंगा डॉल्फिन जागरूकता और संवेदीकरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जो कि 21 अगस्त तक चलेगी। बता दें कि इसमें पहले 2 दिन एक्सपर्ट शामिल होंगे, तो वहीं उसके बाद गंगा किनारे रहने वाले मछुआरों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और तीसरे दिन जू एम्बेसडर की ओर से कृष्णा घाट से लेकर त्रिवेणी घाट तक डॉल्फिन सेंसस को तैयार करना और आखिरी दिन डॉल्फिन की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें डॉल्फिन से जुड़ी तस्वीरें रहेंगी। इस दौरान मछुआरों को डॉल्फिन संरक्षण को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें डॉल्फिन जाल में फंस जाती है तो कैसे बचाना चाहिए, कैसे गंगा डॉल्फिन का सर्वे करना है, इन्हें बचाने के लिए कहां से मदद मिलेगी, इन बातों को विस्तार से बताया जाएगा। नालंदा के राजगीर जू सफारी में जुटे देश भर के चिड़ियाघरों के 35 विशेषज्ञ। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर जू सफारी में देश भर के 35 चिड़ियाघरों के विशेषज्ञ जुटे, जहां उन्होंने राजगीर जू सफारी की संरचना, बनावट व सजावट की जमकर तारीफ की। बता दें कि इस दौरान नेशनल बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सभी 35 विशेषज्ञों को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा जू कीपिंग व रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार बैठा के द्वारा वन्य जीव अस्पताल में रखे गए उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अरविंद कुमार के द्वारा उन्हें यह बताया गया कि कई विशेषज्ञ के द्वारा यहां की व्यवस्था की सराहना की गई है।
बिहार शिक्षा विभाग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हुई शुरुआत। स्कूलों कॉलेजों समेत शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी परेशानी की शिकायत की जा सके, इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की गई है, जिससे कि अब टोल फ्री नंबर 1-4-4-1-7 पर संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि शुरू किए गए इस पहल की खास बात यह है कि अब किसी भी समस्या का 48 घंटे के अंदर निपटारा किया जा सकेगा और साथ ही जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर 1 साथ 34 लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि यह सुविधा फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। वहीं 15 अगस्त के बाद इस सुविधा को कक्षा 1 से स्नातक तक में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए सेंटर की व्यवस्था की गई है, जो कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से काम करना शुरू कर देगा। शहरी क्षेत्र में संचालित होंगे मेट्रोपॉलिटन सर्वेक्षण इकाई। किसी बीमारी के फैलने से पहले ही उस बीमारी का खोज निकाला जा सके और इसके निवारण के लिए कदम उठाया जा सके, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शहरी क्षेत्र में देश भर में मेट्रोपॉलिटन सर्वेक्षण के 20 इकाई का संचालन किया जाएगा। इनमें से एक इकाई बिहार की राजधानी पटना में भी संचालित किया जाएगा, जो कि नगर निगम के अजीमाबाद अंचल में राजाघाट स्थित भवन संचालित होगा। बता दें कि इस इकाई में बीमारी के फैलने से पहले उसका खोज एपिडेमियोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में पटना नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुशील राजपाल के बारे में। सुशील राजपाल एक भारतीय निर्देशक और निर्माता हैं। उनका जन्म और पालन पोषण बिहार में हुआ। वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र हैं और अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म अंतर्द्वंद के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर फिल्म दीक्षा से की थी। सुशील राजपाल, जिनके निर्देशन में बनी पहली सच्ची फिल्म अंतर्द्वंद को इंडस्ट्री से 95% अच्छी समीक्षाएं और प्रशंसाएं मिली, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। अंतर्द्वंद 2010 की एक भारतीय फिल्म है, जो सुशील राजपाल द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित है। 15 मिलियन के बजट पर बनी यह फिल्म दुल्हे के अपहरण की प्रथा पर आधारित है, जो भारत के बिहार में देखी जाती है। इस फिल्म ने 2009 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 27 अगस्त 2010 को इसकी व्यावसायिक रिलीज हुई। सृजन घोटाला मामले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया इस दिन तक रहेंगी न्यायिक हिरासत में। बीते दिन CBI के द्वारा बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को पटना सिविल कोर्ट स्थित CBI के विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 21 अगस्त को की जाएगी। मालूम हो कि रजनी प्रिया के द्वारा बिहार के कई बड़े नेताओं और बिल्डर्स के नाम बताए गए हैं। सबके अलावा CBI के द्वारा रजनी प्रिया व उसके पति अमित कुमार की 13 चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि CBI के द्वारा रजनी प्रिया और उसके पति अमित कुमार के खिलाफ 29 FIR दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 25 मुकदमे में ये दोनों नामजद हैं। इन दोनों पर लुक कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। अग्निवीर के लिए इग्नू में पाठ्यक्रम शुरू। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के द्वारा कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। बता दें इस कार्यक्रम में कुल 120 क्रेडिट शामिल है, जिनमें से 60 क्रेडिट के पाठ्यक्रम इग्नू की ओर से तो वहीं बाकी के बचे 6 क्रेडिट सशस्त्र बलों की ओर से सेवाकालीन कौशल शिक्षा के रूप में दिए जाएंगे। मालूम हो कि अग्निवीरों के लिए यह कार्यक्रम कौशल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे सेवा के बाद रोजगार क्षमता में सुधार होगा। बता दें कि अग्निवीरों के लिए डिजाइन तैयार किया गया एक विशेष पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। दरअसल अग्निवीरों की पढ़ाई सामान्य बच्चों की पढ़ाई से अलग होगी। स्वतंत्रता दिवस पर सभी महादलित टोलों में होंगे झंडोत्तोलन और विशेष कार्यक्रम। इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के आदेश पर राज्य के सभी महादलित टोलों में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और साथ ही विशेष समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर भी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से प्रति गाँव 1,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी DM को पत्र लिखा जा चुका है। मालूम हो कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2011 से ही कर दी गई थी। उस दौरान सरकार की ओर से 500 रुपए खर्च किए जाते थे, जो अब बढ़ाकर 1,000 कर दिए गए हैं। इस दौरान अनुमंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कमलदा जैन मंदिर के बारे में।
कमलता जैन मंदिर पटना में गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जिसका महत्व प्रसिद्ध जैन शिक्षक सूलभद्र के जन्म से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर बिहार के जैन सर्किट का हिस्सा है और जैन धर्म के लोगों के लिए खास महत्व रखता है। इस जैन मंदिर में उनके धर्म गुरु सुदर्शन स्वामी की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही आपको जैन संत सूलभद्र की समाधि भी देखने को मिलेगी। कमलदास जैन मंदिर ईंट के टीले पर बना पटना के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में एक शिलालेख है जो उसके निर्माण का विवरण प्रदान करता है। यह प्राचीन जैन मंदिर का रखरखाव जैन श्वेतांबर मंदिर समिति के पटना समूह द्वारा किया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा जारी अपडेट के अनुसार आज राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जिलों के एक या दो स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना है। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा जिलों के एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर अब हम कल यानी कि 13 अगस्त के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, झारखंड के छात्रों को नहीं मिलेगा रूम, बोर्ड पर भड़के खेसारी लाल यादव। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यूपी, बिहार, झारखंड के छात्रों को नहीं मिलेगा रूम और यह दावा किया जा रहा है कि यह बोर्ड रायपुर NIT के पास किसी मकान मालिक के द्वारा लगाया गया है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अब इस पोस्ट पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भड़कते नजर आए। उन्होंने इस बोर्ड को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि काहे हो मजदूर हमार चाही, IAS हमार चाही और जब छात्र की बात आए तो ऐसा सोच, शर्मनाक। वहीं अब खेसारी लाल के ट्वीट पर कई लोगों के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं। सभी अपने अपने ढंग से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन के द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण के मामले पर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि वह 4 सप्ताह में स्थिति को स्पष्ट करे। बता दें कि याचिका में कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अवैध अतिक्रमण हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से इन अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 4 सप्ताह बाद की जाएगी। प्रति व्यक्ति आय में बिहार का हाल बुरा। क्या की हालिया रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार का हाल प्रति व्यक्ति आय में बेहद खराब है। दरअसल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपए है, जबकि अगर हम बिहार के पड़ोसी राज्यों पर अपनी नजर डालते हैं तो झारखंड का 88,535, उत्तर प्रदेश का 79,396 रुपए, उड़ीसा का 1,39,995 रुपए और मध्य प्रदेश का 1,37,339 रुपए है। हालांकि इन सबके बीच बिहार ने वर्ष 2021 से 22 के दौरान 15.04% की वृद्धि दर के साथ GSDP के रूप में 6,75,448 करोड़ रुपए दर्ज किए हैं। महामारी की अवधि को छोड़कर इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि देखी गई है, जब 2020-21 में विकास दर 0.80% थी। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में पिछले साल की तुलना में -1.36% दर्ज किया गया था। आनंद मोहन का रिहाई पर फिर टली सुनवाई। दिवंगत जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी के द्वारा की गई याचिका पर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वरीय अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच के द्वारा कहा गया कि अब इस मामले पर सुनवाई 26 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में होगी। फिलहाल बिहार सरकार को इस मामले में एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है। इसके लिए राज्य सरकार को 2 सप्ताह तक का समय दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले 8 अगस्त को भी सुनवाई की जानी थी, लेकिन उस दिन केस लिस्ट पर न चढ़ने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई की तारीख को 11 अगस्त तक टाल दिया गया। बता दें कि अब इस मामले पर सुनवाई जस्टिस JS पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होगी। केंद्र सरकार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बीते दिन जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। एक तरफ जहां CM नीतीश के द्वारा कहा गया कि देश की जनता को मालूम हो चुका है कि भाजपा के लोग केवल प्रचार प्रसार करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी काम हुआ है वह हम लोग किए हैं, वहीं अब अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार और कितना आगे जाता, ये आप लोग सोचिए। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि यह कोई नई बात नहीं है,
उनके भाषण से सभी लोगों को निराशा हुई है। यहाँ लोगों को लगा था कि पीएम कुछ अच्छी बात कहेंगे, लेकिन उनको केवल विपक्ष पर निशाना साधने से और कोई बात पल्ले नहीं पड़ा। पीएम को जिस तरह से देश में बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को उठाना चाहिए था मणिपुर हिंसा को लेकर, वह बातें उस हिसाब से उन्होंने कही ही नहीं। अगर वह विपक्ष को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर लगाया आरोप। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने को लेकर जनता को समझाते हुए कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये जानकारी सरकार के पास है, इसे क्यों नहीं सुधारते? दलितों की जनगणना आजादी के बाद से हो रही है, उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उनके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना की हुई है, उनकी हालत सुधर क्यों नहीं रही? बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब है, पर कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि बिहार की सरकार जनता को उलझा रही है कि आधे लोग लग जाएं जनगणना के पक्ष में और आधे लोग लग जाएं जनगणना के विपक्ष में। इसके बाद कोई इसकी चर्चा न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं। सब एक बार जाति में आग लगाकर अपनी रोटी सेक कर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं। भारत के लिए आज वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला। आज यानी कि शनिवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाना है। बता दें कि आज का यह मुकाबला जीतकर भारतीय टीम वेस्टइंडीज की बराबरी करना चाहेगी। ऐसे में आज का यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाला है। मालूम हो कि पहले दो T20 मैच गंवाने के बाद भारत ने तीसरे मुकाबले में शानदार वापसी की थी। ऐसे में भारत अपने इस जीत के सिलसिले को चौथे मैच में भी बरकरार रखना चाहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह मैच भारतीय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाना है। प्रसारण DDD स्पोर्ट्स पर होगा। इसके अलावा मोबाइल पर जियो सिनेमा ऐप पर फ्री में मैच का मजा उठाया जा सकता है। मालूम हो कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 8 बार T20 सीरीज का आयोजन हुआ है। इस दौरान टीम इंडिया को 6 सीरीज में जीत मिली है, वहीं वेस्टइंडीज को टीम को सिर्फ 2 बार सीरीज जीतने में सफलता हाथ लगी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। बादशाह अकबर के मंत्री अबुल फजल की 1602 में हत्या हुई। मुगल शासक ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आमिर खान को उनकी फिल्म तारे जमीन पर के लिए गोलापुरी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड 2008 में प्रदान किया गया। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष 2009 को नियुक्त किया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म 1919 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे का जन्म 1972 को हुआ था। भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज सिडनी अरुंडेल का निधन 1945 में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, विचारक और निबंधकार भगवत सरन उपाध्याय का निधन 1982 को हुआ था। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार से इस्तीफा नहीं दिया है। इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए मेटा ला रही ये नया फीचर। मेटा इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए एक नया फीचर लेकर आ रही है, जिससे आपको ग्रुप फोटो को टैगिंग करने में आसानी होगी। बता दें कि इंस्टाग्राम हेड ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में नए फीचर की जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि हम एक ग्रुप मेंशन फीचर पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप एक ही मेंशन के जरिए अलग अलग लोगों को टैग कर सकते हैं और इस फोटो को वापस ग्रुप में मौजूद लोग आसानी से अपनी स्टोरी पर शेयर और अन्य लोगों को टैग कर सकते हैं। यानी उन्हें अलग से उन लोगों को टैगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फीचर से खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो अक्सर ग्रुप फोटो को शेयर करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन, गेम प्लेयर्स या किसी क्लब के लोग। फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं है कि यह फीचर कब रोल आउट होगा। हो सकता है कि कंपनी से आने वाले कुछ हफ्तों में रिलीज करे। राज्य के 328 CBSE विद्यालय जुड़े पास के स्कूल से स्कूलों में समानता लाया जा सके और उनकी कमियों को पूरा किया जा सके, इसके लिए हब द लर्निंग योजना के तहत राज्य के 328 CBSE विद्यालयों को उनके आसपास के स्कूल से जोड़ दिया गया है। अब इन स्कूलों में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 11वीं में नामांकन लेने के लिए मदद की जाएगी। बता दें कि आपस में जुड़ने के बाद ये स्कूल प्रयोगशाला, पढ़ाई, पुस्तकालय, बाकी सभी चीजों को आपस में साझा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 1312 CBSE स्कूल हैं, जिनमें से केवल 436 स्कूल ही ऐसे हैं जहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की जाती है। ऐसे में स्कूलों के आपस में जुड़ने से छात्र 10वीं के बाद उस स्कूल में भी नामांकन ले सकते हैं जिनके साथ उनके स्कूल को जोड़ा गया है। इससे अब छात्रों को कई लाभ मिल सकेंगे जो पहले नहीं मिल पाते थे।
सेंसेक्स 365 अंक फिसला, निफ्टी 19,450 के नीचे पहुंचा। निजी बैंकिंग, वित्तीय, एफएमसीजी और आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन S&P BSE सेंसेक्स 0.56% या 365 अंकों की गिरावट के साथ 65,322 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 50 सूचकांक 0.59% या 115 अंकों की गिरावट के साथ 19,428 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, NTPC, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और HUL गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं HCL, टेक पावर, ग्रीड, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़त के साथ बंद हुए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस दिन को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 अगस्त। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल, बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी दिल्ली से पटना, ऑप्शन सी मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी पटना से रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगलसराय से कोलकाता। अगला सवाल, बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनुप्रिया, शिव कुमार पासवान, प्रियांश, उत्तमराज, चंद्रदीप, कमलेश शर्मा, रुनु गोलू कुमार, AS दिनेश, कस्तूरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, गुंजा कुमारी, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में किस टीम के जीतने की संभावना ज्यादा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।